नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। ये अपील जिला जज मथुरा साधनी रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्टूबर को दायर की गई थी। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। जिला न्यायालय में मुकदमा चलेगा। जम्मू कश्मीर के नेता सज्जाद लोन ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय ने क्षेत्र की सभी पार्टियों को एक मंच पर आने का मौका दिया है। लोन को इस साल जुलाई में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था। लोन ने कहा कि केंद्र की सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम यहां टिक कर रहेंगे। लोन बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे और जम्मू कश्मीर पीपुल्स अलायंस नाम का नया राजनीतिक धड़ा तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने फिर दोहराया है कि नीतीश कुमार ही उनके सीएम होंगे। मोदी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की वोट कटवा लोजपा से कोई गुपचुप डील नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर एक नेता ने साफ किया है कि लोजपा बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। हर सार्वजनिक सभा में मैं लोगों से कहता हूं कि अपना वोट लोजपा के उम्मीदवार को देकर बर्बाद ना करें। वे वोट कटवा हैं, ये कुछ कूटनीतिज्ञों की रचना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि बीजेपी का एलजेपी के साथ कोई लिंक नहीं है। चिराग पासवान बस भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 12 रैलियां करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री के चुनाव कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री 4 दिन 3-3 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, बीजेपी पर भी नहीं, और इसीलिए नीतीश ने बीजेपी से कहलवाया कि चाहे किसी भी पार्टी की सीटें ज्यादा आएं, लेकिन सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही रहेंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश जानते हैं कि इस बार उनकी सीटें बीजेपी से कम आने वाली हैं। बलिया में हुए हत्याकांड के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने शुक्रवार को कहा कि बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटती है या नहीं। बलिया में सरेआम हत्या करने वाले धीरेंद्र सिंह के समर्थन में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह नजर आए हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि धीरेंद्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के दर्जनों लोग मारे जाते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के कई लोग बुरी तरह घायल हैं तो उनकी बात भी तो सुननी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाथरस की तरह कांड हुआ है। यहाँ एक दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही करा दिया। बताया जा रहा है कि दलित लड़की से रेप और उनकी हत्या की घटना बीते बुधवार की है। परिजनों ने खेत से लड़की की डेड बॉडी बरामद की है। गुरुवार की शाम को लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें गला दबाकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को संशोधित करने पर इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जल्द ही फैसला लेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नेतृत्व जस्टिस मदन बी लोकुर करेंगे। कमेटी को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में झूठी खबरें फैलाने के आरोपी दिल्ली के एक निवासी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभोर आनंद नाम के शख्स का ट्विटर अकाउंट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। विभोर आनंद पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर कई सनसनीखेज और अपमानजनक आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि उसने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कई झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़कर बहुत से लोगों पर अपने पोस्ट के जरिए निशाना बनाया था।
दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। आनंद ने ट्विटर पर दावा किया था कि सालियान की हत्या की गई थी और इसके पहले उनके साथ रेप हुआ था। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 73,72,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,12,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,07,000 के पार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है और खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,89,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,98,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,93,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 79,80,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,17,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,69,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 के पार हो चुकी है। दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी यॉन मॉर्गन को सौंप दी है। आईपीएल 2020 के बीच में ही कप्तानी छोड़ते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि वो अब अपनी बल्लेबाजी और टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तालिबान द्वारा किए जा रहे हमलों पर अफगानिस्तान के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी भी शामिल हैं। बता दें, पिछले सप्ताह से तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं और इस कारण से लगभग 35,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।